नरसिंहपुर जिले के कवेली पुलिस ने युवक आकाश रघुवंशी की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 9 नवंबर की रात आकाश रघुवंशी दोस्तों के साथ कवेली बस्ती की ओर जा रहा था। नई तहसील के सामने आकाश ने गाड़ी रोकी और उसी बीच मेले के पुराने विवाद को लेकर हमला कर दिया। फरार आरोपियों को कवेली पुलिस ने मेहर से गिरफ्तार किया है। जी नमस्ते। तो परसों हमारे यहाँ रात को 9 बजे सूचना आई थी कि एक मर्डर हो गया है, जिसमें हमारे जो मृतक है आकाश रघुवंशी, तो वो अपने 2 दोस्तों के साथ ऑल्टो कार में जा रहा था। उसकी वाद विवाद हुई थी बाकी पार्टी से, जो हमारे आरोपी पार्टी है उसमें से 3 मुख्य आरोपी है, मनीष है, दीपक है। तो उन लोगों ने क्या है, 3 लोग आए बाइक में और उनको ऑल्टो में आगे से उन्होंने रोका, उनको ज़बरदस्ती रोक के फिर उससे पूछा हमारे मृतक से आकर से, तुम क्यों हमारे घर गए थे, हमारे माँ बाप से क्यों मिले, हमसे क्यों गाली गलौज करते हो। तो इसी में फिर उन्होंने वो बढ़ती गई बार, फिर लाठी निकाले, लाठी से मारे, फिर उनके 2 बगल में और दोस्त थे जो वहाँ पे फुल्की खा रहे थे, तो वो भी आके उसमें सम्मिलित हो गए। कुल मिला के फिर मनीष ने वो चाकू निकाला और फिर हमारे जो मृतक है आकाश को पेट में मारा और छाती पे मारा, तो आकाश बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। तो उसके साथ जो ऑल्टो में 2 दोस्त और बैठे थे, तो वो उसको जिला हॉस्पिटल में लेके आए और उसमें वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है डॉक्टर के द्वारा। तो उसके जो दोस्त थे वो हमारे पास आ गए, तो उन्होंने पुलिस को तत्काल सूचना दी कि ये 2 लोग तो हम पहचानते हैं, मनीष को और दीपक को, बाकी कौन थे हम नहीं पहचानते। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो करेली थाना प्रभारी उनकी टीम है, तो इन सब ने, हम सब ने मिल के जो है फिर रातों रात 12 घंटे के अंतर्गत ना कि ये पता किया कि कौन ये 5 आरोपी थे, उनको हमने ट्रेस भी किया। पहले जबलपुर में हम गए, फिर वहाँ पे जो है प्रयागराज एक्सप्रेस से वो निकल गए थे कटनी, फिर मैहर में जाके हमने फाइनली उनको पकड़ा। इसमें मैहर पुलिस का भी सराहनीय भूमिका रहा, तो उन्होंने हमें मदद किया। फिर हमने 5 के 5 को सुबह 8:30 बजे हमने पकड़ लिया है 12 घंटे के अंतर्गत। और हम ये लोगों को कहना चाहते हैं कि ऐसे अगर कोई गंभीर अपराध होती है तो हम तत्काल उनको पकड़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी कन्विक्शन हो, और हम चेकिंग भी जो है शहर में बढ़ा देंगे ताकि ऐसी दोबारा ना हो।